हेलो गाइस, कैसे हो? जैसे बढ़िया होंगे तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे एक वीडियो लेके, जिसकी यार बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है मेरी, मतलब ज़्यादातर हर वीडियो में, कि भाई तू 6X के साथ स्प्रे कैसे करता है, M416 या फिर ओग या जो भी मतलब गन है। तो मैं ग्रोजा के साथ भी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को हो रखी है प्रैक्टिस, लेकिन जो नए बंदे हैं उनके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ग्रोजा वगैरह यूज़ मत करना, ठीक है? अपनी 5.56 की M416 या फिर ओग यूज़ कर लेना। अब बहुत बंदे बोलेंगे भाई ओग नहीं, M416 अच्छी है वो, तो मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूँगा इसे, पहले आपको बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने 6X लगाया और यहाँ पे मैं भाई कर रहा हूँ फायर, तो आप देख सकते होंगे रिकॉइल आ रही है, ठीक है? मतलब मैं नहीं इतना कर पाला कंट्रोल कि मतलब एक पॉइंट पर रहे, मतलब बंदा तो मर जाएगा, ये बात नहीं है कि वो उससे पहले मतलब मैं मार दूंगा उसे अगर वो भी यही करेगा, क्योंकि मैं हेड पे मतलब फायर कर रहा हूँ, दो और चार पांच शॉट में हेड पे गायब है बंदा, अगर मतलब एक दो इधर उधर भी होए। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने 3X बना लिया 6X को, मतलब 3X कर लिया है, नीचे कर लिया है उसका पॉइंटर। तो इससे क्या हो गया ना, इससे मतलब देखो तुम खुद कितना अंतर पड़ रहा है, देखो पहले क्या था और अब क्या है भाई, इतना मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है यार इससे। तुम देख सकते होंगे अब मतलब हेड पे इतनी गोलियां लग रही हैं, और वैसे भी इतनी गोलियों का फ़ायदा भी नहीं है, आपको सिर्फ 5-6 मारनी हेड पर बंदा ख़त्म, मतलब दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन नोक होने के बाद ज़्यादा गोलियां खाता है बंदा, पता नहीं क्यों, मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन आपको सिर्फ 5 या 6 गोली मारनी होंगी, मतलब 2 हेड पे लगेंगे, 4 बॉडी पे बंदा ख़त्म, ठीक है? Level 3 गियर साथ थोड़ा 1-2 फालतू लगा लो तो बंदा खत्म है, ठीक है? तो गाइस अटैचमेंट्स में आपको जो भी अटैचमेंट लग सकते हैं वो सारे लगाने हैं, ठीक है? और अगर आप मतलब जानते नहीं हो स्प्रे करना, अगर आप जानते हो तो आपके लिए वीडियो ही नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो बताता हूँ कि इतने कंपनसेटर ना मिले, फ्लैश हाइडर लगा लो, सप्रेसर को अवॉइड करो, सप्रेसर बिल्कुल रिकॉइल कंट्रोल नहीं करता, फ्लैश हाइडर हल्का सा करता है, और कंपनसेटर मिले तो फ्लैश हाइडर को उतारो और कंपनसेटर लगाओ, ठीक है? और ग्रिप में बात करी जाए तो हाफ ग्रिप, लाइट ग्रिप कुछ भी लगा लो, इतने वर्टिकल ना मिले, नहीं तो फिर वर्टिकल लगाओ। और लाइट ग्रिप की बात ऐसी है कि लाइट ग्रिप थोड़ी मतलब क्लोज रेंज में अच्छी होती है, तो उसका स्प्रे से कुछ लेना देना नहीं है, स्प्रे में वैसे आप लगा सकते हो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अगर आप शुरुआत प्लेयर हो तो आप यार वर्टिकल ग्रिप ही लगाओ, और एक्शन क्विक ड्रॉप की मर्जी है, और पीछे जो वो टेस्ट स्ट्रोक लगता है वो भी यार लगा सकते हो तुम, क्योंकि वो तो लगाना ही पड़ेगा, रिकॉइल जिससे कंट्रोल हो आपको लगानी है, ठीक है? तो बहुत सारा सिंपल है यार ये चीज़, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई अभी ये कैसे करनी है, तू तो कह रहा है बहुत सिंपल है, हमने तो ये 3X करके भी देख लिया फिर भी नहीं हो रही, तो भाई उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। तो यहाँ पर पहले तुम देख लो कि मैं सही से कंट्रोल कर रहा हूँ नहीं, भाई कुछ बंदे बोले तू तो खुद ही नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मेन चीज़ है वो है सेंसिटिविटी, ठीक है? ये इसके दम पे होता है जो भी होता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ स्किप करो, अपने हिसाब से करो जो करनी है, मेरी कॉपी मत करना क्योंकि यार आपके लिए अच्छी नहीं होगी, आपका एम एम बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे 6X की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, तो अगर आप स्प्रे के लिए यूज़ करना चाहते हो 6X बस, तो एक काम करो 6X की सेंसिटिविटी मतलब अगर नहीं कर पा रहे हो ना तुम, मतलब सेंसिटिविटी, भाई अजीब अजीब सी चीज़ बोल रहा हूँ, तो देखो सेंसिटिविटी अगर तुम नहीं कर पा रहे ना 6X की कंट्रोल, तो थोड़ा ना बढ़ा दो, मतलब जितनी आपकी ADS सेंसिटिविटी 6X की है उससे मतलब 5 या 6 बढ़ा दो, ठीक है? फिर कंट्रोल करके देखो, फिर भी नहीं हो रही थोड़ा और बढ़ा दो, ठीक है? मतलब जब तक कंट्रोल ना हो बढ़ाते रहो, ठीक है? फिर आपको एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि भाई आपकी मतलब ठीक ठाक कंट्रोल होने लगेगी, वो होती है प्रैक्टिस से। तो जब ठीक ठाक कंट्रोल होने लगे तो आप देखोगे कि थोड़ा बहुत भी अगर गोलियां चलाते हुए इधर उधर एम हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान होता है और हिल जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया थोड़े कम करनी है सेंसिटिविटी। तो मतलब जितनी आपकी अब है ना उससे मतलब थोड़ा सा बढ़ाना, बस ज़्यादा बढ़ाओगे ना आपको मतलब मूविंग टारगेट को मारने में बहुत दिक्कत होगी, तो ज़्यादा मत बढ़ाना लेकिन हल्की से बढ़ा दो जितनी आपकी अभी है, और आप देखोगे थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। और मेन बात है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो देखो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मतलब वो तो 50% होगा, 50% आपके ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप मतलब एक्सपर्ट बन सकते हो इस चीज़ की। तो तुम देख सकते होंगे यहाँ पे मैं 6X की सेंसिटिविटी मेरी कितनी है, ये आईपैड के हिसाब से है, मोबाइल के लिए भाई कॉपी मत करना इसे क्योंकि आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो अपने हिसाब से सेंसिटिविटी चुनो, ट्रेनिंग मोड में आओ, थोड़ा टाइम दो यार इसमें, आप मतलब मैं भी जो मैं क्या यार जो भी कोई भी बंदा गेम खेलता है कुछ नया, अगर एपेक्स वगैरह भी है तो उसका ट्रेनिंग मोड दिया जाता है वो, इसलिए जिससे हम आके वहाँ पे अपना सेंसिटिविटी वगैरह सही कर लें, अपने फ्लिक्स वगैरह की सही हो रही है ना उस सेंसिटिविटी में थोड़ी कम ज़्यादा कर लो, तो यार ट्रेनिंग मोड का यूज़ करो, सेंसिटिविटी वगैरह बढ़ाओ, अपने फ्लिक्स सही करो, तो इसमें टाइम दोगे तो आप ईजिली मतलब परफेक्ट हो जाओगे थोड़े दिनों में। तो भाई यहाँ पे जो चीज़ है वो एक और है कि मेन जो है थंब वाली, क्योंकि बहुत सारों को पता है ये बात, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ बंदों को ये नहीं पता, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो रिकॉइल का पैटर्न होता है उसे ऑब्जर्व करो, ट्रेनिंग मोड में आओ, उसे एक जगह मतलब चला के देखो, मतलब गन कैसे कैसे ऊपर जा रही है, तो उसके हिसाब से अपने अंगूठे को भी नीचे करते जाओ, ठीक है? भाई यहाँ पे देखो तुम्हें करना पड़ेगा ये, और अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन छोटी है तो मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ी ADS की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि नहीं तो स्क्रीन ख़त्म हो जाएगी, आपका अंगूठा अगर बड़ा हुआ और आपकी स्क्रीन झटके से मैं ख़त्म हो गई तो क्या करोगे मतलब।
तो भाई यही है थोड़ा कि थंब को ना थोड़ा थोड़ा नीचे करते जाओ, जैसे जैसे मतलब जिस स्पीड से बंदूक ऊपर जा रही है उसे पहले तो ऑब्जर्व करो ट्रेनिंग मोड में कौन सी गन पे आपको करना है, पहले से ही ध्यान कर लो, ये नहीं कि कोई से भी कर रहे हो। M4 सेलेक्ट कर लो जैसे कि, तो M4 को फिर ट्रेनिंग मोड में और उसको देखो स्प्रे करके वो कैसे कैसे उसकी गोलियां जा रही हैं, तो 10 तक देखनी है आपको सिर्फ, ठीक है। और उसके साथ ही आपको नीचे करते जाना है अपना पॉइंटर, तो 10 तक गोली चलानी है और मतलब उसे देखना है कैसे कैसे ऊपर जा रही है, और उसी स्पीड में आपको अपने अंगूठे को नीचे करना है, ठीक है। तो यार बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई 6x का स्प्रे कैसे करते हो बताओ, तो भाई देखो 50% मैंने बता दिया क्या क्या सीन है, और 50% आपके ऊपर है अब कि कैसे करनी है। ADS सेंसिटिविटी की है जिससे कि आप मतलब 6x की थोड़ी रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ी पूरी जो है वो आपके ऊपर है, ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए यार, ऐसी बात नहीं, और यार डिवाइस भी मैटर करता है, ऐसी बात नहीं है, ये नहीं कि आईपैड में हो जाती है मोबाइल में नहीं होती, मैं मोबाइल में भी कर लेता हूँ, सब में हो जाती है, जबकि मोबाइल में और एडवांटेज है जायरो ऑन करके और अच्छे से होती है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ यार ये होता है अगर कोई बजट डिवाइस है ज़्यादा ही तो उसमें, और ओल्ड डिवाइस है मतलब यार उसमें थोड़ी दिक्कत होगी आपको एम वगैरह में, और कोई भाई महान ही बंदा होगा जो उसमें भी बिल्कुल प्रो की तरह खेलता हो, तो डिवाइस मैटर करती है यार ये बात है, और मतलब इतनी भी नहीं करती पर करती है यार, भी 20% फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे ओग का थोड़ा गेम प्ले देख लो, कुछ बंदे यार क्या करते हैं कि M4 ओग आ जाती है ड्रॉप में लेते ही नहीं, कि M4 मतलब M4 ज़्यादा अच्छी है 6x के लिए, आपने बहुत सारे लोगों को देखा, तो ऐसा नहीं है, ओग M4 से अच्छी है अगर 6x के साथ आपको स्प्रे करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार इसकी ना रेट ऑफ फायर थोड़ा कम है, और उसकी वजह से इसकी रिकॉइल जो है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला दोनों ही कम है इन कंपैरिजन टू M4, मतलब वर्टिकल इसकी दिखा रखी है कि ज़्यादा है और थोड़ा सा मतलब जाता भी है, लेकिन जब हम चलाते हैं ना तो इसकी ज़्यादा अच्छी कंट्रोल हो जाती है इन कंपेरिजन टू M416। तो यहाँ पे तुम देख सकते होंगे इसकी रिकॉइल काफ़ी सही है, मेरी रिकॉइल आप देख लो, कभी कुछ बंदे बोले भाई तू कैसे करता है तू भी बता दे, जो नए बंदे हैं क्योंकि पुरानों को यार पता ही होगा, और उनके लिए तो लव है यार बिल्कुल, क्योंकि उन कोई रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आ रही है, नहीं तो मैं कुछ और डालने वाला था, लेकिन बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई छोटा टॉपिक नहीं है, एक बंदे ने बोला था कि भाई छोटा टॉपिक नहीं है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करो यार, हम भी मतलब करना चाहते हैं ये, तो थोड़ी यार मैंने तुम्हें टिप्स और ट्रिक्स बता दी क्या करना है। और गाइज मैं थोड़ी हिडन प्लेस की मुझे नई नई चीज़ें पता चली है, तो बताओ यार वीडियो हिडन प्लेसेस पे चाहिए जो कि मतलब रेंगल वाप हाइड करके मार दो किसी को पता भी नहीं चले, और बताओ ये लेआउट अच्छा है या फिर ब्लैक बार्स हटा के थोड़ी चपटी कर दो वीडियो वो अच्छी है, और ये लो भाई तुम्हारे लिए थोड़े से साइंस हैं जो भी मतलब बंदे मेरे को देखते हैं, ये लो भाई लव है तुम्हारे लिए, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार, जो नए बंदे हो आप भी फैमिली में शामिल हो, MRX आर्मी करके मैं सोच रहा हूँ कुछ बनाने के लिए, बस यार यही था इस वीडियो में, अगर अच्छी लगी तो जरूर से सब्सक्राइब करो, और बताओ कुछ और अगर चाहिए ऐसा टिप्स और ट्रिक्स, और गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एक बार और।